दोस्तों ये रहा हमारा गेमिंग पीसी, और हो सकता है कि आपके पास भी भाई ऐसा गेमिंग पीसी हो या फिर लैपटॉप हो या फिर नॉर्मल पीसी हो और उसके मदरबोर्ड में ऑलरेडी वाईफाई है लेकिन यहाँ पर शोर नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों मैंने इंटरनेट केबल से कनेक्ट करा हुआ है तो इंटरनेट सही से चल जाता है, लेकिन दोस्तों जो लोग वाईफाई से अपने मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर वाईफाई का आना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि नहीं आ रहा है। मेरे मदरबोर्ड में दोस्तों वाईफाई नहीं था तो मैंने अलग से जो ये यूएसबी अडैप्टर है वाईफाई वाला वो लगाया हुआ है। पहले दोस्तों आ जाता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, देखो काफी दिनों से नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे हम लोग ला सकते हैं। और भाई एक और वीडियो आने वाली है कि कैसे आप लोग मोबाइल फोन से वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी से ताकि नेट चला सको, वो वीडियो देखने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वो भी आने वाली है, इस वीडियो के बाद ही आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो में लाऊं आप लोगों के लिए। और अब मैं आप लोगों को भाई कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और आगे क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। आप लोग दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, मैं नेटवर्क में जाके भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी देखो आप लोग कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो इंटरनेट का आ रहा है मैंने केबल से कनेक्ट करा हुआ है तो वही आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपके पास विंडोज 10 विंडोज 11 जो भी यहाँ पर जाइए और सर्च करिए, आप लोगों को भाई सर्च करना है डिवाइस मैनेजर या फिर दोस्तों आप लोग सर्च कर सकते हैं विंडोज 7 विंडोज 8 में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आने के बाद जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें जाना है नेटवर्क अडेप्टर्स में, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बाकी और भी ऑप्शन आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे व्यू पे करता हूँ सो हाइड एंड फाइल्स, तो भी भाई ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, देखो आप लोग केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो क्या करना है हमें इस पर राइट क्लिक करना है, फिर दोस्तों प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है उस पर जाना है और यहाँ पर जो डिवाइस डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है हमें तीसरे नंबर पर हार्डवेयर आईडीज, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा पीसीआई जो भी है आपके पीसी में और अलग आ सकता है, इस पे आपको राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों ओके कर दीजिए, बस इतना हो गया। अब आगे का स्टेप क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ये क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और इसके सर्च बार में आपको वाईओ इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको लिख देना है पीछे वाईफाई ड्राइवर्स, ये मैंने लिख दिया है और मैं सर्च कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आएगा और दूसरा भी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले ऑप्शन पे मैं ट्राई कर चुका हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ तो आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है। अभी मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूँ, इस पे शायद से हो जाएगा। हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए दोस्तों ये है दोस्तों विंडोज 10 64-bit के लिए। इसके अलावा दोस्तों जाएंगे ये दोस्तों विंडोज 11 के लिए, इसे ये है विंडोज 11 के लिए। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम लोग ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमें डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा जिप फाइल का ऑप्शन, इसको दोस्तों हम लोग कर लेंगे ओपन, जहाँ पे भी ये इंस्टॉल हुआ सो इन फोल्डर करेंगे। ये रहा गाइस, इसी में कट कर लेता हूँ और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसी में कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट विंडोज और यहाँ पर दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये होगा रन, तो हमारे सामने दोस्तों आएगा नेक्स्ट का ओपन। नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर रियल इंटरनेट कंट्रोलर ड्राइवर इंस्टॉल होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सारी चीजें हो रही हैं, तो इसको हम लोग होने देते हैं। बाकी की चीज जो है जो चल रही है बैकग्राउंड है उसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों देखते हैं कि क्या हमारा काम होता है कि नहीं, अगर हो जाए तो आप भी ट्राई करिएगा, ना हो तो भाई मैं वीडियो ही अपलोड नहीं करूंगा। तो इंस्टॉल विजर डायलर कंप्लीट, हम लोग दोस्तों फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाते हैं देखते हैं कि क्या हुआ है कि नहीं, अगर हुआ नहीं है तो भाई हम लोग एक बार रिस्टार्ट करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। अभी मैं जल्दी से रिस्टार्ट कर देता हूँ अपने पीसी को एक बार। A few minutes later. तो रिस्टार्ट करके पीसी को मैंने कर दिया स्टार्ट और यहाँ पर दोस्तों जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आया है कि नहीं हमारा भाइयों कनेक्शन मतलब वाईफाई का ऑप्शन। तो यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे चेंज अडेप्टर में और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो कि आ चुका है वाईफाई। यहाँ पर हम लोग इसे इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है इनेबल, इनेबल हो चुका है। अभी हम लोग इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और आप लोग गाइस देख सकते हो कि आ चुका है वाईफाई का ऑप्शन। तो मैंने कुछ इस तरीके से भाइयों वाईफाई का ऑप्शन लाया अपने पीसी में, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में ऐसा ना हो। आप लोग भाइयों दूसरे तरीके जरूर ट्राई करिएगा अगर ये पहला तरीका काम ना करे। लेकिन आपके पीसी में भाई वाईफाई होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग मेरी तरह जो वाईफाई अडेप्टर आता है छोटा सा यूएसबी, वो आप लोग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट से ले सकते हो। कुछ यूएसबी अडेप्टर जो होते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक दो की, जाके आप लोग देख लेना ठीक है, अगर आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में वाईफाई है ही नहीं।